So hello everyone, welcome to Unacademy Studios Platch. मैं राजुल श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का संडे के इस प्यारे से दिन में Unacademy Studios Platch में. Unacademy Studios Platch एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप कर रहे हैं तैयारी अपने MPPSC के एग्जाम की, ओके, और आपकी इस तैयारी को और भी बेहतर बना रहे हैं दिनेश ठाकुर सर, संजीव वाद्य सर, जितेंद्र राजाराम वर्मा सर, शैलेंद्र तिवारी सर, शुभम गुप्ता सर, अजय बसेड़िया सर, राजुल श्रीवास्तव जो हूँ मैं, सनमती जैन सर. और हमारा उद्देश्य यही है कि आपकी MPPSC की तैयारी को बनाना है और भी बेहतर. सो लेट्स क्रैक इट विद Unacademy Studios Platch. ओके, एंड आज का जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बिल्कुल मिस मत करना. संडे का दिन है, ज़्यादा बर्डन नहीं होगा आपको, आपके ऑफिसेस में नहीं जाना होगा. जो हाउसवाइफ हैं उनको अपने बच्चों के जो लंच बॉक्सेस हैं उन्हें पैक नहीं करना होगा, ऑल दो आपके पास जो अपनी ड्यूटीज़ हैं उनसे फ्री होकर काफ़ी ज़्यादा आपके पास टाइम है. ओके, सो विषय क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की बात करेंगे हम 2019 की. ये एक करंट का टॉपिक है क्योंकि आप लोग मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे कि प्लीज़ करंट पढ़ाओ, करंट पढ़ाओ. करंट का वो टॉपिक उठा रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनना ही बनना है. ओके, सो आज के दिन दैट इज संडे आप क्या पढ़ोगे? कैबिनेट पढ़ोगे. कैबिनेट के लिए, मंत्रिमंडल के लिए मैंने एक सेपरेट सेशन करा है और ये वाला जो सेशन है ये क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे है, यानी मंत्री परिषद पे है. ओके, और जो सारे लोग चैट पे एक्टिव हो चुके हैं, परेशान हैं कि मैम हमसे बात क्यों नहीं कर रही हैं, तो उसका रीज़न ये है कि ये एक प्रीमियर है. ओके, ये लाइव वीडियो बिल्कुल नहीं है, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है. पर बिल्कुल अपने डाउट पूछो क्योंकि जब सवाल उठ रहा है तो उसका जवाब भी मिलना बहुत ही ज़रूरी है. सारे जवाब मिलेंगे पर कहाँ पर मिलेंगे? चैट बॉक्स में मिलेंगे. ओके, उसके बारे में, मेरे बारे में एक छोटी सी जानकारी. नाम राजुल श्रीवास्तव है, जान पहचान बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है. मंडे से संडे रोज आप मेरे साथ पढ़ते हो. 11 बजे क्या पढ़ते हो? MP का GK. 2 बजे कोशिश करते हैं MPPSC को क्रैक करने की 50 दिन में, दैट इज इस सेक्शन में. मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, ये सारी चीज़ों से आपकी प्रैक्टिस करा देती हूँ. ओके, और मेरा एक और सेशन है जो है शाम 4 बजे का. उसमें हम क्या करते हैं, हम 2017 के जो पेपर हैं और MPPSC के जितने भी पेपर हैं प्रीलिम्स के, उनको सॉल्व करते हैं. और हाल ही में हमने 2017 का पेपर कवर कर लिया. नीचे दी गई लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हो Unacademy लर्निंग ऐप पे, जहां पर आपको मेरी मिलेंगी मेरी फ्री क्लासेस जो होती हैं, मेरी स्पेशल क्लास. स्पेशल क्लास होती है बिल्कुल फ्री और जिस पर मैंने अभी अभी नई सीरीज स्टार्ट करी है. जब मैं आपका मध्य प्रदेश का जो GK है उसको मैप के थ्रू कवर करा रही हूँ, सो उसे ज़रूर ज्वाइन करो. उसे ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? मुझे फॉलो करना है Unacademy लर्निंग ऐप पे. अब फॉलो कैसे करोगे? तो ऐप पहले डाउनलोड कर लो. डाउनलोड करने के बाद MPPSC और व्यापम जो गोल है उसे सिलेक्ट करना और सर्च करना राजुल श्रीवास्तव. राजुल श्रीवास्तव जैसे ही मिल जाए तो कर लीजिएगा फॉलो, ताकि जो मेरी स्पेशल क्लास है उसका मैसेज आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुंच पाए. ये बात थी Unacademy लर्निंग ऐप की. आप वहां पर देखोगे बहुत सारे कुछ प्रीमियम कोर्सेज रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लस कोर्सेज, तो आप उन कोर्सेज को ले सकते हो. इतने सारे सब्सक्रिप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो. आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करते हैं, आप क्या यूज़ करेंगे? मेरा कोड जो है राजुल लाइव, और इस कोड को यूज़ करने से आपको मिलेगा पूरे 10% का डिस्काउंट. फाइनली बात खत्म करते हैं और अब आते हैं हमारे टॉपिक. टॉपिक क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज मंत्री परिषद. कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव के बारे में. एग्जीक्यूटिव के बारे में यानी कार्यपालिका के बारे में. ओके, और कार्यपालिका में हमने क्या सीखा था कि कार्यपालिका में क्या क्या होता है? गवर्नर होता है, CM होता है, और क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, यानी राज्यपाल होता है. ओके, CM यानी चीफ मिनिस्टर होते हैं, और साथ में होता है मंत्री परिषद. और जो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो मंत्री परिषद के हेड होते हैं. ओके, और इस साल जो है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री कमलनाथ जी. तो कमलनाथ जी का जो काउंसिल है, कमलनाथ जी का जो मंत्री परिषद है वो क्या है, आज हम उसे जानेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन है? माननीय कमलनाथ जी हैं. ओके, और ये किस किस सेशन से डील करते हैं? तो कमलनाथ जी के अंतर्गत आता है औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग. ओके, अनिवासी भारतीय और अन्य विभाग जिन्हें किसी को आवंटित नहीं किया गया है. ओके, समझ लीजिए ऐसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट
किनके अंतर्गत आता है? श्री कमलनाथ जी के अंतर्गत. नॉन रेसिडेंट इंडियन एंड अदर डिपार्टमेंट हु आर नॉट अलॉटेड टू एनीवन, वो सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? सो दीज आर कम अंडर टू द कमलनाथ जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु की. किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु की. और इनके अंतर्गत क्या आ रहा है? संस्कृति विभाग, चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग. ओके, दैट इज कल्चर डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन एंड आयुष डिपार्टमेंट. फाइन, क्लियर है. नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम श्री सज्जन सिंह वर्मा जी के बारे में. श्री सज्जन सिंह वर्मा जी मंत्री हैं मंत्रिपरिषद के एक, और क्या विभाग आता है इनके अंतर्गत? तो लोक निर्माण और पर्यावरण विभाग आता है, दैट इज पब्लिक वर्क एंड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट आता है. श्री हुकुम सिंह कराड़ा मंत्री जी हैं और इनके अंतर्गत आता है जल संसाधन विभाग, दैट इज वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट. चार अभी तक हमने बात कर ली, आगे देखते हैं. और इनको लिख लो, चाहे अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो, चाहे जनरली ऐसे चाय पे चर्चा करो, पर इन्हें प्लीज़ अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ना सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से बल्कि आपके सामान्य ज्ञान, दैट इज़ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक अफसर बनने वाले हैं, ऑफिसर बनने वाले हैं, तो आपको आपके विभागों के बारे में, आपके जो मंत्रिपरिषद हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर गोविंद सिंह. डॉक्टर गोविंद सिंह जो हैं, यह सहकारिता, संसदीय कार्य और सामान्य प्रशासन विभाग से हैं, मतलब कॉरपोरेटिव, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा गोविंद सिंह जी के अंदर. फाइन, श्री बाला बच्चन ये भी मंत्री हैं और इनके अंतर्गत क्या आता है? गृह विभाग और जेल विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विकास, लोक सेवा प्रबंधन, मुख्यमंत्री से भी संतुष्ट, मतलब कि होम डिपार्टमेंट एंड जेल डिपार्टमेंट, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट, एफिलेटेड विद द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो. नेक्स्ट बात करेंगे आरिफ अकील जी की. तो आरिफ अकील जी भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग इनके अंतर्गत है, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी रिलीफ, रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज, वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट. ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है? सो ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है? श्री आरिफ अकील जी के अंतर्गत आ रहा है. नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम श्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी की, और ये भी मंत्रिपरिषद के एक मंत्री हैं, जिनके अंतर्गत आता है वाणिज्यिक कर विभाग, दैट इज कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट. इतने डिपार्टमेंट्स आई होप आपको क्लियर होंगे. चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम श्री प्रदीप जायसवाल जी की. सो श्री प्रदीप जायसवाल जी के अंतर्गत आता है खनिज संसाधन विभाग, मिनिस्टर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट. श्री लखन सिंह यादव जी, श्री लखन सिंह यादव जी के अंतर्गत आता है पशुपालन विभाग, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग, मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, फिशरमैन वेलफेयर एंड फिशरीज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. श्री तुलसीराम सिलावट जी, श्री तुलसीराम सिलावट जी के अंतर्गत क्या आता है? पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, दैट इज लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग. श्री गोविंद सिंह राजपूत मिनिस्टर हैं, इनके अंतर्गत क्या आ रहा है? रिवेन्यू डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हिंदी में समझो राजस्व विभाग और परिवहन विभाग. आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे श्री इमरती देवी जी की. तो श्री इमरती देवी जी जिस डिपार्टमेंट की मंत्री हैं, जिस डिपार्टमेंट की मिनिस्टर हैं, वो डिपार्टमेंट कौन सा है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दैट इज महिला एवं बाल विकास विभाग. किसके अंतर्गत आता है? श्रीमती इमरती देवी जी के अंतर्गत. ओके, श्री ओमकार सिंह मरकम, श्री ओमकार सिंह मरकम जी के अंतर्गत आता है ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, मतलब कि जनजातीय मामलों का विभाग, नामांकित और अर्ध घूमृत जनजातीय कल्याण विभाग. ओके, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, इनके अंतर्गत क्या आता है? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, दैट इज स्कूल शिक्षा विभाग. श्री प्रियवत सिंह,
इनके अंतर्गत आता है ऊर्जा विभाग, दैट इज एनर्जी डिपार्टमेंट, और आपको आपके एग्जाम तक अपनी एनर्जी को बहुत ही बढ़ा के रखनी है। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। स्ट्रेस लेकर पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, एकदम जैसे टेस्ट सीरीज लगाते आए हो उसी तरीके से पढ़ना है। सो जस्ट चिल होकर पढ़ना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बात करेंगे श्री सुखदेव पैंस जी की, तो इनके अंतर्गत आता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। श्री हर्ष यादव जी, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट, ओके। एंड श्री जयवर्धन सिंह जी के अंतर्गत क्या आता है, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, ओके। जीतू पटवारी जी की बात करें तो जीतू पटवारी जी के अंतर्गत क्या आता है, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर हायर एजुकेशन। ये दो डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आ रहे हैं, जीतू पटवारी जी के अंतर्गत। पीसी शर्मा जी, लॉ एंड लीगल अफेयर्स, पब्लिक रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिविल एविएशन, किसके अंतर्गत, पीसी शर्मा जी के अंतर्गत। सुरेंद्र सिंह बघेल, इनके अंतर्गत आता है नर्मदा वैली डेवलपमेंट और टूरिज्म, ओके। और उमंग सिंघर जी के अंतर्गत आता है फॉरेस्ट, और यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल बन ही सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्री कमलेश्वर पटेल जी की, और इनके अंतर्गत आता है पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मुझे याद आया कि मैं सून बहुत ही जल्दी इस पर आपका एक सेशन लाने वाली हूँ, जो कि होगा लाइव सेशन, डोंट वरी विद दैट। श्री लखन घगोरिया जी की बात करें तो इनके अंतर्गत क्या आता है, सोशल जस्टिस, डिसेबल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट। श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, लेबर डिपार्टमेंट। श्री पीसी शर्मा जी, मिनिस्टर, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। ऑल दो ये सेशन लाइव नहीं था, पर आप लोगों ने काफ़ी पेशेंटली डील करा। डोंट वरी, कल से फिर हम दोबारा लाइव आएंगे एंड मंडे से फ्रेश स्टार्टिंग करेंगे। फिलहाल तो संडे एंजॉय करो, पढ़ाई ठीक से करो, शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालो अभी से, बल्कि नोट्स बिल्कुल भी मत बनाओ, क्योंकि 11 तारीख को जब आप रिवीजन करने बैठोगे आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पूरी की पूरी कॉपी को रिवीजन करो। तो इसलिए कोशिश करो कि एक पेज में रिवीजन नोट्स बनाओ, ओके। और तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके लिए आप यदि मेरा कोड राजुल लाइव इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग टूडे सेशन, एंड आई होप आपका दिन आज बहुत ही प्यारा रहे, वंडरफुल सा डे रहे। मेरे दोनों सेशन बड़े ही ध्यान से अटेंड कर लेना, आज के कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरा का पूरा कवर करा दिया है 2019 का। सो होप आपकी तैयारी में ये छोटा सा सहयोग इसका ज़रूर रहे। फीडबैक फॉर्म फिल करके बताइए सेशन कैसा रहा, ओके। लाइक कर देना यार वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। बाकी तो आप बनने ही वाले ऑफिसर, सो अपनी पढ़ाई को बेहतर रखो। चलो, थैंक यू सो मच, इन्जॉय योर डे, बाय बाय, टेक केयर।